हिमाचल पुलिस अब सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाने पर शिकंजा कसने को इनकी लोकेशन ट्रेस करने में भी निपुण होगी। मौजूदा समय में बढ़ते साइबर अपराध के मामलों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल को ईमेल तथा मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में पुलिस थाना प्रभारियों को साइबर क्राइम से जुड़ी बारीकियों से अवगत करवाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने पूरे देश में पुलिस अधिकारियों को इन मामलों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत पुलिस थाना प्रभारियों को ईमेल ट्रैकिंग, जिसमें आईपी एड्रेस और जिस कंप्यूटर से इसे जनरेट किया गया है उसका पता लगाने के आधुनिक उपकरणों से प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। साथ ही आरोपी की फोन लोकेशन तथा सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाने वाले सिस्टम का भी पता लगाने को ट्रैकिंग टूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य पंजाब में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले ऐसे मामलों पर शिकंजा कसने के लिए साइबर लैब स्थापित की गई है। हिमाचल में भी अब इस तरह के मामले पकड़ने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मामलों पर शिकंजा कसने के लिए अब फॉरेंसिक लैब में विशेष टूल मुहैया करवाया गया है। फॉरेंसिक लैब धर्मशाला से सह उपनिदेशक डॉक्टर एस के पॉल ने बताया कि साइबर क्राइम और साइबर अपराधों से निपटने के लिए केंद्र की ओर से CCPWC कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम पुलिस अधिकारियों सहित सरकारी अधिवक्ता न्यायिक अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि साइबर क्राइम के पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में जिला कुल्लू, ऊना, चंबा, हमीरपुर, लाहौल स्पीति के अधिकारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर चल रही है। 5 दिन की कार्यशाला है। इसमें 6 जिलों के पुलिस अधिकारी ट्रेन किए जा रहे हैं, जो सारे इंस्पेक्टर SHO हैं। इसमें कांगड़ा, चंबा, ऊना, मीरपुर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के पुलिस अधिकारी भाग ले रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है सर, इसका क्या लाभ जो है पुलिसिंग में मिलने वाला है, किस लिए कर रहे हैं? इसमें साइबर क्राइम महिलाओं और बच्चों के प्रति बहुत बढ़ा जा रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत ये हमारा 3रा कोर्स चल रहा है। ये पुलिस प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी को दी जाएगी ट्रेनिंग। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस पे आजकल बहुत सारे मैसेज ट्रेंड होते हैं। कई बार ऐसे गलत मैसेज ट्रेंड हो जाता है जिससे कुछ अफवाहें फैल जाती है। कहां से जनरेट हुआ मैसेज, उसका एड्रेस कहां है, ये सारी चीजें हम पुलिस को बताएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में लगातार साइबर क्राइम अपने पैर पसारते जा रहा है। सोशल मीडिया पर आने वाली रोज की अफवाहों से साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है। जो बात सोशल मीडिया में जाती है उसे हल करने में भी काफी समय लग जाता है। धर्मशाला स्थित फॉरेंसिक लैब में प्रदेश के 6 जिला के पुलिस अधिकारियों को विशेष योग द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन पुलिस अधिकारियों को साइबर क्राइम से निपटने के लिए हर पहलू से तैयार किया गया है। धर्मशाला फॉरेंसिक लैब में मौजूदा विशेषज्ञों की माने तो साइबर अपराध शिकायतें आने पर ये अधिकारी उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन जानकारियों में ईमेल फ्रॉड से लेकर फेसबुक में होने वाले अपराधों पर भी नकेल कसी जाएगी।